Send me pieces up back together now. What's your vision? हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कंडीशन किसके बारे में, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा। इसके तीन केसेस होते हैं, पहली होती है प्रॉपर फील्ड, दूसरी होती है सेंट्रल फील्ड और तीसरी होती है आपकी एक्सटर्नल फील्ड। तो एक एक करके सीखेंगे। तो पहला है प्रॉपर फील्ड, किसे कहते हैं? एक कोई फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, इस वो प्रॉपर फील्ड तब कहलाएगा आपका कि जब वो गिवन रीजन डी में या एक्स वाई प्लेन में, जब वो उन पॉइंटों को, वो इकलौता एक ऐसा कर्व जो कर्व होगा जो उन पॉइंटों को कवर करते हुए जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे प्रॉपर फील्ड। तो अच्छे से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू y एक्स इज सेट टू फॉर्म अ प्रॉपर फील्ड इन अ गिवन रीजन डी ऑफ द एक्स वाई प्लेन इफ एंड ओनली इफ वन कर्व ऑफ द फैमिली पासिस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन डी। तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्या कर रहा है कि इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, द फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी फॉर्म्स अ प्रॉपर फील्ड। देखिए, ये आपका सर्कल है और ये आपका वाई बराबर एक्स प्लस सी का एक रीजन है। तो ये जो कर्व है, इन पॉइंटों को कवर करेगा, तो ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं प्रॉपर फील्ड। अब बात करते हैं सेंट्रल फील्ड की। तो वो क्या होता है, सेंट्रल फील्ड में क्या होता है कि उन फैमिली के कर्व्स को लेना होता है जो सारे एक ही पॉइंट से जा रहे होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल फील्ड। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कि इफ ऑल द कर्व्स ऑफ द फैमिली y इक्वल्स टू y x c पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट x0 y0 किसी एक पॉइंट से, देन इट्स अ सेंट्रल फील्ड। देखिए, यहाँ पर मैंने बाय एग्जांपल फिगर के थ्रू समझा है कि सारे कर्व जो हैं वो किसी एक पॉइंट के थ्रू होके जा रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या है, x0 y0, और यही इसका सेंट्रल फील्ड का फैमिली पॉइंट है। तो ऐसे इसी से हमें पता चलेगा कि जब सारे कर्व्स एक ही पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं सेंट्रल फील्ड। तीसरे कंडीशन में आ जाते हैं एक्सट्रीमल फील्ड। वो क्या है, इफ अ प्रॉपर फील्ड और अ सेंट्रल फील्ड इज फॉर्म्ड बाय अ फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स ऑफ गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम, देन इट इज नोन एज एक्सट्रीमल फील्ड।